नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सत्यम। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में शांतिपूर्ण रही इंटरमीडिएट की परीक्षा, परीक्षा केंद्र के बाहर लागू रही धारा 144। इंटर परीक्षा के पहले दिन भागलपुर में लगा महाजाम, शहर में घंटों रेंगते रहे वाहन, प्रशासनिक तैयारी फेल। अब बिना अनुमति के लोग नहीं निकाल सकेंगे जुलूस, एसएसपी ने कहा विधि व्यवस्था में हो रही है परेशानी। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, एसपी लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और भागलपुर दुमका रेलखंड पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव हुआ बरामद, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। अब समाचार विस्तार से। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट की वार्षिक परीक्षा सोमवार से शुरू हो गई। जिले भर से शहरी क्षेत्र के 36 केंद्रों पर 40,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा में शामिल हुए। भागलपुर के सभी परीक्षा केंद्र पर सुबह से ही परीक्षार्थियों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। वहीं परीक्षा कदाचार मुक्त और शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था की गई थी। जिला स्कूल, राजकीय बालिका इंटर स्कूल, मड़वाली कॉलेज, टीएनवी कॉलेज, मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज, इंटरस्थलीय उर्दू बालिका विद्यालय, शारदा झुंझुनवाला, मड़वाली पाठशाला समेत सभी केंद्रों पर इंटर की परीक्षा शांतिपूर्ण रही। बता दें कि केंद्रों पर जूता मोजा पहनकर अंदर जाना वर्जित था। परीक्षा के दौरान टीएनवी कॉलेज और एसएम कॉलेज में छात्र छात्राओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था देखी गई। इधर सभी केंद्र के अंदर और बाहर की वीडियोग्राफी भी कराई गई। परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों ने कहा कि सारे प्रश्न सिलेबस के अनुसार थे। परीक्षा शिक्षक से गया है, लेकिन व्यवस्था है कि जूता चप्पल जो है ना यहाँ पे खुलवा दिया गया है, बाहर में ही पहले से ही, उसके बाद अंदर घुसाया गया है। कहाँ से आए, क्या नाम है? सुल्तानगंज से आए हैं, राजवीर कुमार नाम है। आज हम सबकी हिस्ट्री की परीक्षा हम सब बहुत बढ़िया से तैयारी करके आए हुए हैं। भागलपुर टीएनवी कॉलेज में सेकंड पाली में एग्जाम है। क्वेश्चन पेपर तीन भाग में डिवाइड था। पहला ऑब्जेक्टिव था जो कि 42 ऑप्शन था, उसमें 35 टिक करना था। और सेकंड में 2 मार्क्स का क्वेश्चन था जिसमें 18 ऑप्शन था, जिसमें 10 हम लोग को लिखना था। और थर्ड पार्ट में 6 ऑप्शन था, 5 मार्क्स का पर क्वेश्चन, उसमें 3 लिखना था। क्वेश्चन मॉडरेट था, उतना भी हार्ड नहीं था। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा के पहले दिन भागलपुर में महाजाम जैसी स्थिति बनी रही। सुबह से ही शहर में जगह जगह जाम लगना शुरू हो गया। दोपहर में ततारपुर चौक, आसानंदपुर चौक, पर्वती चौक, सराय चौक, तिलकावांजी चौक, स्टेशन चौक, कचहरी चौक, घंटाघर चौक समेत कई स्थानों पर यातायात व्यवस्था चरमरा गई। जाम में फंसे लोगों को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। भागलपुर में परीक्षा के दौरान जाम न लगे इसके लिए पुलिस प्रशासन की ओर से कई प्लानिंग की गई थी, लेकिन परीक्षा केंद्र से जैसे ही परीक्षार्थी बाहर निकले पुलिस प्रशासन की सारी प्लानिंग फेल हो गई। स्कूली बस, एम्बुलेंस और पुलिस वाहन समेत सभी छोटे बड़े वाहन दिन भर सड़क पर रेंगते नजर आए। वहीं कुछ स्थानों पर पुलिस के जवान काफी सक्रिय दिखे और यातायात नियम तोड़ने वालों को कानून का पाठ पढ़ाया। ट्रैफिक डीएसपी आर के झा भी लगातार शहर में गश्ती करते दिखे। वहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर भागलपुर एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि जाम से निपटने के लिए जगह जगह अतिरिक्त पुलिस बल लगाया गया है, साथ ही कई जगह पर वाहनों के रूट में भी बदलाव किया गया है। इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सभी केंद्रों पर पुलिस पदाधिकारी और बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। महिला केंद्रों पर महिला पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। साथ ही साथ जोनल, सुपर जोनल और गश्ती पदाधिकारी उसमें नियुक्त किए गए हैं। और सभी वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वो भ्रमणशील रहेंगे। स्वयं मैं और डीएम साहब भी, हम लोग भी भ्रमणशील रह रहे हैं और अभी सेकेंड सिटिंग में भी कई जगहों पर जाएंगे। साथ ही साथ हम लोगों ने यह देखा है कि ट्रैफिक की एक बड़ी समस्या रहती है, क्योंकि एक सड़क जो है मुख्य सड़क वो अर्धनिर्मित होने के कारण वहाँ परिचालन बाधित है और उसके कारण अन्य सड़कों पे काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ा हुआ है। इसको लेकर के ट्रैफिक में अतिरिक्त 20 पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। अभी तक ट्रैफिक व्यवस्था भी बिल्कुल सामान्य है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि ट्रैफिक आगे भी सभी जगहों पर सामान्य ही रहेगी। भागलपुर में बिना अनुमति जुलूस या जनसभा करने वालों पर अब पुलिस की पैनी नजर रहेगी। बिना प्रशासनिक अनुमति के जुलूस, रैली या किसी प्रकार के सामूहिक कार्यक्रम करने वाले आयोजक पर कभी भी गाज गिर सकती है। भागलपुर पुलिस कप्तान आशीष भारती को पिछले कई दिनों से यह सूचना मिल रही थी कि कई स्थानों पर लोग बिना किसी सूचना के कार्यक्रम कर रहे हैं। इसके बाद एसएसपी आशीष भारती ने बिना अनुमति के जुलूस निकालने पर रोक लगा दी है।
एसएसपी आशीष भारती ने कहा कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। शहर में विधि व्यवस्था बनी रहे इसी उद्देश्य से पुलिस प्रशासन की ओर से यह कदम उठाया गया है। अब लोगों को जुलूस निकालने के 3 दिन पूर्व जिला प्रशासन से अनुमति लेनी होगी। लोकतंत्र में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अधिकार है, परंतु जुलूस निकालने से पूर्व सभी लोगों को अनुमति लेना आवश्यक है ताकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से आवश्यक इंतजाम किए जा सके। परंतु ऐसा देखा जा रहा है कि कुछ सामाजिक संगठन जुलूस निकाल रहे हैं कुछ मुद्दों पे, और उसके लिए अनुमति उनके द्वारा नहीं ली जा रही है। और जिसमें, क्योंकि भागलपुर एक बहुत ही संवेदनशील शहर है, जिसमें इस तरह के जुलूस में कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है और जिसके कारण शहर की शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। इसी को लेकर के निर्देश सभी पुलिस पदाधिकारियों को दिया गया है कि जो कोई भी बिना अनुमति के जुलूस निकालते हैं उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करेंगे, FIR दर्ज करेंगे। और सभी लोगों से यह अपील भी मैं करता हूं आपके माध्यम से कि कोई भी जुलूस निकालने से पहले वो लाइसेंस जरूर, उसके लिए परमिशन जरूर ले लेंगे, और जुलूस के लिए परमिशन के लिए आवेदन कम से कम जुलूस निकालने से 3 दिन पहले देंगे ताकि उसके संबंध में आवश्यक कार्रवाई की जा सके। इसके अतिरिक्त यह भी दिशा निर्देश पुलिस को प्राप्त हुआ है कि कई सारे जुलूस में बच्चों को भाग दिलवाया जाता है, और यह जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है और चाइल्ड वेलफेयर के लिए जो कई सारे प्रावधान बने हैं उसके अनुरूप नहीं है, और उसके संबंध में भी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ है, जो कि कार्रवाई किया जाएगा। मुंगेर पुलिस ने नक्सली संगठन के सक्रिय सदस्य को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार नक्सली लखीसराय, मुंगेर और जमुई जिले में संगठन के लिए कार्य कर रहा था। मुंगेर SP लिपि सिंह के निर्देश पर गठित विशेष टीम को कुख्यात नक्सली के खड़गपुर इलाके में छिपे होने की सूचना मिली थी, जिसके बाद ASP हरिशंकर कुमार के नेतृत्व में खड़गपुर और लड़ैया टाण पुलिस ने जाल बिछाकर कुख्यात नक्सली आशुतोष कुमार को दबोच लिया। SP लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पकड़े गए नक्सली आशुतोष के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। SP ने कहा कि नक्सली की गिरफ्तारी के लिए पुलिस अधिकारी पिछले 3 दिनों से इलाके की रेकी कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान नक्सली के पास से नक्सली साहित्य और कई आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया। SP ने छापेमारी टीम में शामिल सभी पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की बात कही। लड़ैया टांड थाना कांड संख्या 3619 में एक FIR दर्ज की गई थी 3 सितंबर 2019 को, जिसमें एक नक्सली गोरेलाल नैया को गिरफ्तार किया गया था। उसके पास से हथियार और साहित्य, नक्सली साहित्य तथा अन्य आपत्तिजनक सामान बरामद किया गया था। उसने एक स्वीकारोक्ति जो बयान दिया था उसमें 19 लोगों का नाम और जोड़ा गया था। उसी में से एक है आशुतोष कुमार, जिनकी गिरफ्तारी की गई है। इनका जो है डायरेक्ट कनेक्शन है नक्सलियों के साथ, और ये उन लोगों को मेडिकल सेवाएं मुहैया कराते हैं तथा पुलिस की गतिविधि के बारे में भी, जो उस एरिया में रहता है उसके बारे में भी बीच बीच में जानकारी दिया करते हैं। तो ये जो 3619 है इसमें जो है आर्म्स एक्ट और UAPA की विविध अन्य धाराओं में केस दर्ज किया गया था। इसमें 20 लोगों पे केस दर्ज हुआ था, और ये आशुतोष कुमार चौथे हैं जिनको पुलिस ने दबिश में पकड़ा है। भागलपुर दुमका रेल खंड पर गोनू धाम के समीप रेलवे ट्रैक से पुलिस ने एक युवक का शव बरामद किया है। मृतक की पहचान टढ़िया गाँव निवासी दिलीप यादव के 20 वर्षीय पुत्र रूपेश कुमार के रूप में हुई है। मृतक युवक सोमवार से शुरू होने वाले इंटर की परीक्षा में शामिल होने वाला था। घटना को लेकर मौके पर काफी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी और हर कोई इस घटना से काफी आहत दिखे। वहीं घटना की सूचना मिलते ही डॉग स्क्वाड की टीम के साथ पुलिसकर्मियों ने आसपास के इलाके की गहन छानबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। मृतक के पिता ने बताया कि शनिवार की रात रूपेश अपने भाई के साथ खाना खाकर सोने चला गया। सुबह वह कब घर से बाहर निकला इसकी कोई जानकारी नहीं है। मृतक के पिता ने अपने बेटे की हत्या करने की आशंका जाहिर की है। फिलहाल पुलिस हत्या और आत्महत्या की गुत्थी को सुलझाने में जुटी है। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
जी हाँ, अब आपके शहर भागलपुर में विश्व स्तरीय पढ़ाई की सुविधा पहली बार। जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, सीबीएसई करिकुलम, नर्सरी से 7th तक की पढ़ाई, सेंट्रलाइज्ड एयर कंडीशन कैंपस, एसी बस विथ जीपीएस एंड सीसीटीवी, चाहे आवासीय हो या डे स्कॉलर, बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए पढ़ाई के साथ साथ योग, खेल, कला और ई लाइब्रेरी भी। हमारा पता है जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, जीछो बिशनपुर भागलपुर। कॉन्टेक्ट नंबर 7672800010। एडमिशन इज गोइंग ऑन। कैंसर से डरे नहीं, कैंसर से संघर्ष करें और साहस रखें। सही समय और सही जगह पर इलाज करवाने से आप इस संघर्ष में हमेशा आगे रहेंगे। और इस संघर्ष में आपके साथ है भारत विख्यात हॉस्पिटल समूह नारायणा हेल्थ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9199446571। याद रहे 9199446571। नारायणा हेल्थ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तिलकमांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में सोमवार को विदाई सह सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सीनेट सदस्य बलराम सिंह को विदाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान प्रतिकुलपति प्रोफेसर रामयतन प्रसाद, डीएसडब्ल्यू डॉक्टर योगेंद्र महतो, रजिस्ट्रार कर्नल अरुण कुमार सिंह समेत कई अधिकारियों ने अधिष्ठित सदस्य को उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं पदाधिकारी और कर्मचारियों ने कहा कि बलराम सिंह का कार्यकाल काफी सराहनीय रहा है। इधर विश्वविद्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने भी सीनेट सदस्य को उपहार देकर भावभीनी विदाई दी। मौके पर बलराम सिंह ने सभी का आभार प्रकट किया। नागरिकता संशोधन कानून एनपीआर और एनआरसी को लेकर विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर भागलपुर के कबीरपुर इलाके में भी महिलाएं पिछले एक पखवाड़े से अनिश्चितकालीन धरने पर है। दिन प्रतिदिन कबीरपुर इलाके में लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। हाथों में तिरंगा लेकर धरना पर बैठी महिलाएं मोदी सरकार से सीएए को वापस लेने की मांग कर रही है। वहीं भागलपुर के विभिन्न मोहल्ले से लगातार कैंडल मार्च निकालकर लोग एनपीआर और एनआरसी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। कबीरपुर में चल रहे अनिश्चितकालीन धरना में उत्तर प्रदेश समेत देश के कई हिस्सों से शायर और वक्ता अपनी बात रख रहे हैं। संविधान बचाओ देश बचाओ समिति द्वारा आयोजित धरना में सभी धर्म से जुड़े लोग शामिल होकर एक सुर में सीएए को देश की एकता और अखंडता के लिए घातक बता रहे हैं। सोमवार को भी काफी संख्या में महिलाएं धरना में शामिल हुई। कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, बेरोजगारी एवं महंगाई के साथ ही जमालपुर कारखाना की उपेक्षा से आहत समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष पप्पू यादव के नेतृत्व में सपा कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय के समीप जमकर प्रदर्शन किया एवं नारेबाजी करते हुए राजीव गांधी चौक पहुंचकर पुतलों को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आम बजट को धोखा बताते हुए नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं जिलाध्यक्ष पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह बजट अंबानी अडानी के लिए है, आम जनता को इस बजट से कोई राहत नहीं। साथ ही पप्पू यादव ने कहा कि एक बार फिर जमालपुर रेल कारखाने के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह और उपेक्षा दिख रहा है। मौके पर उपाध्यक्ष रामनाथ राय, प्रधान महासचिव मनीष कुमार मधुकर, मीडिया प्रभारी मनोज क्रांति, नकुल यादव, मोहम्मद आजम सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। कल केंद्र सरकार के वित्त मंत्री ने बजट पेश किया। यह बजट हम समाजवादी लोगों का मानना है कि यह बजट देश के 30% लोगों का बजट है। 70% लोग इस बजट में उपेक्षित हुए हैं। आज जो देश बेरोजगारी से जूझ रहा है, महंगाई से जूझ रहा है, आर्थिक मंदी से गुजर रहा है, सरकार का इसमें कोई थीम नहीं है, कोई रणनीति नहीं है कि देश की बेरोजगारी कैसे दूर होगी, महंगाई कैसे दूर होगी। और भारत चूंकि कृषि प्रधान देश है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए जो रोड मैप तैयार होना चाहिए था, रोड मैप तैयार नहीं हुआ। हम समाजवादी लोगों का मानना है, हमारी पार्टी का मानना है कि केंद्र सरकार ने यह बजट अडानी अंबानी जैसे 30% समृद्ध लोगों को प्रस्तुत किया है, समर्पित किया है। नागरिकता संशोधन कानून एवं एनआरसी को लेकर नगर भवन मुंगेर में रक्षा मंच मुंगेर द्वारा वास्तविकता एवं विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का शुभारंभ भारत माता की आरती कर किया गया। गोष्ठी का संचालन धनंजय शर्मा एवं सरस्वती विद्या मंदिर के प्रधानाचार्य ने संयुक्त रूप से किया। विचार गोष्ठी में कई शिक्षाविद, समाज सेवक एवं जनप्रतिनिधियों ने सीएए पर अपने अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान वक्ता रविंद्र यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देते हुए नागरिकता कानून की सराहना की तथा सभी से इस कानून को समझने का अनुरोध किया। वहीं मुख्य वक्ता कृष्णकांत ओझा ने कहा कि दुष्प्रचार के कारण लोगों को नागरिकता कानून समझने में परेशानी हो रही है। इस कानून से भारतीय नागरिक का कोई लेना देना नहीं, बल्कि यह कानून हमारे पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, पाकिस्तान व अफगानिस्तान में प्रताड़ित हो रहे अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए बनाया गया है।
साथ ही वक्ताओं ने एनआरसी एवं सीए का विरोध कर रहे लोगों से इस कानून को समझने की अपील की एवं इसका विरोध करना एक बड़े षड्यंत्र का हिस्सा बताया। संयोजक संजय कुमार पोद्दार ने उपस्थित सभी वक्ताओं का धन्यवाद ज्ञापन किया। मौके पर धर्मदेव पासवान, सरदार परमजीत सिंह, अशोक अंशुमन, निर्मल जैन सहित कई वक्ता एवं दर्शक मौजूद थे। और अंत में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले भर में शांतिपूर्ण रही इंटरमीडिएट की परीक्षा, परीक्षा केंद्र के बाहर लागू रही धारा 144। इंटर परीक्षा के पहले दिन भागलपुर में लगा महाजाम, शहर में घंटों रेंगते रहे वाहन, प्रशासनिक तैयारी फेल। अब बिना अनुमति के लोग नहीं निकाल सकेंगे जुलूस, एसएसपी ने कहा विधि व्यवस्था में हो रही है परेशानी। मुंगेर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, कुख्यात नक्सली गिरफ्तार, एसपी लिपि सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। और भागलपुर दुमका रेलखंड पर संदिग्ध अवस्था में युवक का शव हुआ बरामद, गुत्थी सुलझाने में जुटी पुलिस। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।